हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल, हमारे नए चैनल वे टू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, जैसा कि उसमें हम आप लोगों को आज ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार आकर्षक जगह है, तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व किनारे के पैरेलल बनी हुई है और ये सबसे मूंगे की दीवार है, सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। मूंगे एक समुद्री जीव है और ये सबसे बड़ी दीवार है और इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, जैसे गार्डन ऑफ वाटर है। इस दीवार की जो लेंथ है, मतलब लंबाई है, वो 200 मील एंड इसकी जो चौड़ाई ब्रेथ है वो 10 मील से 90 मील तक है। यह बहुत सारे जगहों पर ब्रेक किए हुए हैं, आई मीन टू से डेट टूटे हुए हैं, और इसका हाफ एंड मोर आधा से ज़्यादा पार्ट पानी में डूब गया है, जो कि आज तक नहीं दिखा है किसी को। लेकिन ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यह किसी किसी जगह पर क्लीन साफ विजिबल होता है, यह साफ दिखाई देता है, हम लोग इसे अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है कि जो डिस्टेंस है कॉन्टिनेंटल कोस्ट, कॉन्टिनेंटल कोस्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, तो वहाँ से इसकी दूरी, मतलब महाद्वीप किनारे वहाँ से इसकी दूरी लगभग, अगर ज़्यादा अंदाज़ा लिया जाए तो ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन लगभग 10 से 150 मील तक है। जब भी समुद्र में कोई बड़ी तूफान आती है तो बहुत सारे वेसल्स, मतलब वेसल्स का कहने का मतलब पोत हो गया, इससे टकरा कर ख़त्म हो जाते हैं। और यह पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए बेहद ही आकर्षक प्लेस है। जो ग्रेट बैरियर रीफ की बचने की संभावना वो बहुत ही कम है, तो मेरी यही आप लोग से कहना है, हमें यही आप लोग से कहना है कि आप जल्दी जाके यहाँ घूम के आए। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बहुत मज़ा आएगा, ऐसी आकर्षक है कि 2000, आकर्षक तो बहुत है लेकिन ऐसी आशंका कही जाती है कि यह 2050 तक, 2050 तक रीफ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी इम्पॉर्टेंस बात, सबसे इम्पॉर्टेंस इसकी जो बात है वो इसमें प्रॉल, एक समुद्री जीव नाम का, इसमें प्रॉल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह कलेक्शन है, जिसमें 450 प्रकार के प्रॉल, 1500 प्रकार की मछलियां, प्रजातियां और 4000 प्रकार के मोलास्क शामिल है। अब देखते हैं इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका इन्वेंशन ग्रेट बैरियर रीफ ने किया था, कैप्टन जेम्स कुक ने ही ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। एक बात यह भी है कि जो ब्रिटिश खोजकर्ता रीफ की खोज की, जब इनका जहाज इसमें फंस गया था तभी इसकी खोज की गई थी। हर साल लगभग 5 से 50 मिलियन लोग ग्रेट बैरियर रीफ देखने आते हैं और इसमें मछलियों का बहुत ही आकर्षक मेला लगता है, तो ये टूरिस्ट प्लेस में भी बहुत अच्छा गिना जाता है, तो यहाँ पर जाइए। लेकिन इसकी खोज तो पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, उससे पहले ब्रिटिश के जो जहाज़ थे वो यहाँ फंस चुके थे, तो उनसे भी पहले ब्रिटिश लोग कर चुके थे। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश के जहाज़ के बाहर ठीक कॉन्टिनेंटल कोस्ट। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आदमी अब आते जाते हैं। पहले इस जगह से कुछ दूर आगे बढ़िएगा, मैं इसका आगे का सीन दिखा रहा हूँ। इसके पीछे आप लोग को एक बहुत ही अच्छा समुद्र दिखेगा और यह टूरिस्ट प्लेस इतना अच्छा है कि आप यहाँ, बहुत सारे लोग हर साल घूमने जाते हैं, आप यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप राइडिंग कर